हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस कंप्यूटर क्लास। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके टाइटल का नाम था एमएस एक्सेल में किसी भी शॉप का बिल कैसे बनता है। तो आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि एमएस एक्सेल में किसी भी मोबाइल शॉप का बिल कैसे बनता है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा तो ही इसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया था, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए कि मेरे वीडियो कैसा लगा। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपना एमएस एक्सेल को ओपन करना है। तो एमएस एक्सेल ओपन कैसे होता है, अगर आपको नहीं पता है तो इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा ताकि आप एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए सीख जाएं। तो फ्रेंड्स, हमारा एमएस एक्सेल ओपन हो चुका है, तो चलिए अब इसमें हम शॉप बिल बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ ऐप से स्टार्ट करते हैं और कुछ एरिया को हमें इस तरह सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह, ठीक है। आपको गिन के 8 कॉलम्स को रेडी करना है, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए और आपको जैसा कलर करना है कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कलर कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ से कुछ एरिया को आपको इस तरह सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको मर्ज इन सेंटर पर आना है और यहाँ से आपको थर्ड वाला ऑप्शन को चूज़ कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपको डबल क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने शॉप का नाम लिख लेना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मोबाइल शॉप लिख देता हूँ, फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसे सेलेक्ट करेंगे इसे और इसे थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं और जैसा फॉन्ट आप यहाँ से देना चाहें इसे दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद कुछ एरिया पे इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से ऑल बॉर्डर्स, फिर यहाँ से कुछ एरिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसमें आके ऑल बॉर्डर्स, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, इसके बाद क्या करना है, हम नीचे आ जाते हैं और कुछ एरिया को इससे हमें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और यहाँ से इसे ऑल बॉर्डर्स कर देना है। फिर हमें नीचे आना है और यहाँ से कुछ इस तरह हमें सेलेक्ट करना है और इसे भी यहाँ से ऑल बॉर्डर्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब पहले कॉलम पर आते हैं, इस पर हमें लिखना है सीरियल नंबर, तो हम S.NO कर देते हैं, ठीक है। फिर हमें नीचे आ जाना है, इस पर हमें लिखना है सीरियल कोड, तो S.CO, ठीक है। और हमें इस पर आना है, इस पर हमें लिखना है डेट, ठीक है। फिर हमें नीचे आना है, इस पर हमें लिखना है टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमें आ जाना है, यहाँ पे हमें लिखना है आइटम नेम, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आइटम नेम, ठीक है फ्रेंड्स। अगले कॉलम पे आना है, इस पर हमें लिखना है आइटम कोड, ठीक है। अगले कॉलम पे आना है, इस पर हमें लिखना है कंपनी, ठीक है, कंपनी। इसके बाद हमें लिखना है मॉडल, ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है रेट, उसके बाद लिखना है क्वांटिटी, उसके बाद लिखना है हमें ओम, और उसके बाद हमें लिखना है टोटल, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमें नीचे आ जाना है, ठीक है, और इस पर हमें लिखना है अमाउंट, ठीक है। फिर हमें नीचे आना है और इस पर हमें लिखना है SGST rate 9% का लगेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9%, ठीक है। और फिर नीचे आना है CGST rate 9%, उसके बाद हमें नीचे आना है, लिखना है डिस्काउंट, ठीक है। और उसके बाद हमें नीचे आना है, इस पर लिखना है नेट टोटल, ठीक है, नेट टोटल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ अच्छे से समझिए हमें यहाँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे हमें क्या करना है, जो सीरियल नंबर है इस पर मैं कोई भी सीरियल नंबर लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1234 लिख लेता हूँ, ठीक है। और सीरियल कोड भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ सीरियल कोड, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर डेट लिखना है आपको, तो मैं यहाँ पर कोई भी डेट लिख देता हूँ, और फिर आपको यहाँ पर लिखना है टाइम, तो टाइम है कुछ जो आपका मन हो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा उस समय का टाइम, ठीक है। और फिर आपको नीचे आ जाना है, इस पर आपको लिखना है आइटम नेम, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मोबाइल ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मोबाइल लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने
यहाँ पर लिख दिया मोबाइल, ठीक है। और उसको इसका कुछ कोड भी होगा, तो यहाँ पर यहाँ से इसका कुछ कोड लिख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर पूछ रहा है कंपनी, तो आगे हमें कंपनी लिखनी है। तो फ्रेंड्स आगे हमें कंपनी का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे इसे रेडमी लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है मॉडल, तो मॉडल मान लीजिए ये नोट 10 होगा, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है रेट, इसका प्राइस क्या है, तो इसका प्राइस मान लीजिए कि 11,000 होगा, ठीक है। और क्वांटिटी एक ले रहे हैं, दो ले रहे हैं, पाँच, दस, आप कितना मोबाइल ले रहे हैं वो इसे यहाँ लिखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, और यहाँ पे ओम पूछ रहा है, तो इसे हम पीस में लेते हैं। फ्रेंड्स टोटल कैसे निकलेगा इसे आप अच्छे से समझिएगा। फ्रेंड्स हमारा जो टोटल है वो रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके निकलता है, तो जो मेरा रेट है वो मेरे जे पे लिखा है, और जो क्वांटिटी है वो मेरा के पे है, तो और जो ये जो नंबर दिया हुआ वो कहाँ पे है, 11 पे है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जे के इंटू के 11 होगा, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इक्वल टू जे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा रेट है वो जे पे है और 11 पे है, और इंटू, ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हमें लिखना है के 11, तो के 11, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मेरा जे पर था और ये मेरा के पर था, तो जे 11 इंटू के 11, ठीक है। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पे ये टोटल अमाउंट लिख देगा। इसके बाद क्या करना फ्रेंड्स, हमें जो टोटल अमाउंट आया है इसे हम सेलेक्ट करके इसका नीचे आएंगे अमाउंट तक। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटो सम दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ सम पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो अमाउंट है वो हमारा, ये जो टोटल था हमारा वो अमाउंट पे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद क्या है, हमारा SGST है और CGST, ये सब हमें लिखना है। तो ये सब कैसे हुआ, तो जो हमारा अमाउंट है उसके जरिए हम SGST, CGST और डिस्काउंट सब ये सब निकालेंगे। तो मेरा जो अमाउंट है वो 55,000 है, ठीक है। और ये कितने नंबर पे है, तो आप देख सकते हैं ये जो 21 नंबर पे है, तो इसी से हम निकालते हैं SGST। तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू, और क्या लिखेंगे, हमारा अमाउंट किस में है, एम में है, तो इक्वल टू एम, और कितना नंबर पे था, तो 21 पे था, ठीक है। और इनटू करेंगे 9% का, ठीक है। और सिंपली आपको यहाँ से एंटर प्रेस कर देना है, तो इतना SGST उस पर लगेगा। और फ्रेंड्स CGST के लिए भी वही सेम प्रोसेस, इक्वल टू एम 21 इंटू 9%, ठीक है। तो हमारा CGST भी निकल जाएगा किससे, अमाउंट से। फिर हमें यहाँ पर डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट के लिए भी सेम प्रोसेस, इक्वल टू एम 21 इंटू 5%, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा डिस्काउंट भी निकल जाएगा। अब हमें निकालना है नेट टोटल, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा अमाउंट SGST CGST है ये सब तीनों को प्लस करेंगे, और जो डिस्काउंट है इसको माइनस करेंगे। तो देखते जाइए आप, पहले हमें लिखना है एम 21 प्लस, फिर एम 22 प्लस, ठीक है फ्रेंड्स। मगर उससे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गए, तो इसे हम वापस कट कर लेते हैं। हमें पहले लिखना है इक्वल टू एम 21 प्लस, फिर एम 22, फिर प्लस एम 23, और हमें क्या करना है, फिर माइनस एम 24, ठीक है फ्रेंड्स, 24, ठीक है। हम एम 21, 22, 23 ये तीनों को प्लस करेंगे, और जो 24 है इसको माइनस करेंगे। उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है, तो उसको कुल मिला के 62,150 उसे इतना मतलब कि देना होगा, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी शॉप का बिल बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।